साइबर ठगों के निशाने पर मैट्रिमोनियल साइट्स। शादी के चक्कर में कहीं आप भी ना हो जाएं ठगी का शिकार। पहले NRI बनकर करते हैं बात, फिर युवतियों को करते हैं इम्प्रेस, और फिर कस्टम विभाग में फंसने का बहाना बनाकर कर देते हैं बैंक अकाउंट खाली। शादी करने के लिए अगर आप भी मैट्रिमोनियल साइट्स का सहारा ले रहे हैं या फिर मैट्रिमोनियल साइट्स का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर मैट्रिमोनियल साइट्स हैं। दरअसल फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मैट्रिमोनियल साइट्स में NRI बनकर युवतियों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। जो दो विदेशी हैं वही चैटिंग वगैरह करते थे, इन्वॉल्वमेंट है, सिम कार्ड भी उन्हीं के पास थे, सारे अकाउंट्स वो हैंडल करते थे। अभी दो नाइजीरियन है और एक हमारा इंडियन है, तो ये ग्रेजुएट्स हैं, ये दोनों ग्रेजुएट्स हैं अपने नाइजीरियन, और इनफैक्ट जो हमारा इंडियन है वो भी ग्रेजुएट है, ये कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली का। तो मैडम ये कहाँ का बना? उत्तम नगर का। 70-80 महिलाओं को रैगर और टारगेट बनाया है, तो शादी का झांसा देते थे जी, तो क्या वो सारी महिलाएं बैठ थी या? देखिए अभी उसका हमने वो नहीं किया, जैसे मैंने बोला कि अभी इनके जो अकाउंट्स बने हुए हैं उनका हम पूरा विश्लेषण करेंगे, कौन कौन सी महिलाएं इन्होंने टारगेट की हुई है। अभी तो हमें जो इनसे पता चला है वही मैं आपको बता रही हूँ। हमारे केस में भी 10 लाख से ज़्यादा की ठगी थी, रिकवरीज भी 20,000 जी, क्योंकि इन्होंने जो इनके अकाउंट थे, अकाउंट से इन्होंने जो पैसा था वो बिटकॉइन के कन्वर्ट करके और दे आर सेंट टू नाइजीरिया। पुलिस ने दो नाइजीरियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इनके कब्जे से 22 फोन, 1 लैपटॉप, 58 सिम कार्ड और हजारों रुपए नगद बरामद किए। आपको बता दें गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर फेक आईडी बनाकर खुद को हाई प्रोफाइल विदेशी नागरिक बताते थे और फिर भारत में आकर शादी करने की बात कहकर युवतियों को फंसाया करते थे। हालांकि उनका पूरा प्लान उस वक्त कामयाब होता था जब वे एयरपोर्ट में कस्टम डिपार्टमेंट में फंस जाने की बात कहकर युवतियों से पैसों की डिमांड करते थे। वही कि मैं इंडिया वापस आना चाहता हूँ, मैं फॉरेन में रह रहा हूँ, और जब ये इंडिया आते थे तो ये अलग अलग नंबरों से फ़ोन करवाते थे कि मुझे कस्टम ने रोक लिया, बोल था आप इतने पैसे दो तभी ये मेरे को छोड़ेंगे, इस टाइप के फ्रॉड करते थे। इनकी 30-31 साल है महिलाएँ, उनको ये टारगेट करते थे मैट्रिमोनियल साइट्स पे। लालच तो कोई नहीं था, लालच तो ये था कि शादी का ही था कि देवर तो बड़ा बताते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खुद को ये काफ़ी बड़ा बताते थे और मतलब चैटिंग काफ़ी दिनों तक करते थे, और उसके बाद जब इनको भरोसा था कि यू नो लड़की पे अब कर देगी तो फिर ये इस तरह का। फिलहाल साइबर ठग पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन वक्त के साथ साथ साइबर ठगों का जाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अब तक 60-70 महिलाओं को अपना शिकार बना चुके हैं। ऐसे में सोशल साइट में जो भी ऐप हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें लेकर जागरूकता होना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 हरियाणा के लिए फरीदाबाद से अनिल राठी की रिपोर्ट।